हमला हुआ है, एक बड़ी खबर। एनडीए उम्मीदवार पर हमले की खबर है। बदमाशों ने गाड़ी रोक कर इस घटना को अंजाम दिया और काफिले पर कुछ लोगों ने रोका और लोगों की मदद से वीणा देवी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी पर हमले की खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और पिस्टल दिखाने की खबर है कि वीणा देवी के काफिले को रोका गया है, उन्हें पिस्टल दिखाई गई है और लोगों की मदद से वीणा देवी को बाहर निकाला गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदमाशों ने गाड़ी रोककर पिस्टल दिखाई है। वीणा देवी जो वैशाली से उम्मीदवार है उनका अतिक्रम कर रहे हैं, लोगों की मदद से वीणा देवी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी पर हमला हुआ है, बदमाशों ने गाड़ी रोककर उन्हें पिस्टल दिखाई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनके काफिले पर हमला हुआ है। अब से थोड़ी ही देर पहले आपने न्यूज 18 पर उनकी तस्वीर देखी थी जब वो अपने पूरे परिवार के साथ वोट देने पोलिंग बूथ तक पहुंची थी और जब वो वहां से वापस लौट रही थी उसी काफिले को लोगों ने रोकने की कोशिश की। हालांकि ये लोग कौन थे उनकी पहचान की जाएगी, ये पूरा मामला जांच का विषय है। बिल्कुल, असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है लेकिन ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन थे, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, कौन थे, इसके बारे में पूरी जांच चल रही है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है एनडीए उम्मीदवार से जुड़ी हुई, बदमाशों ने गाड़ी रोकी, पिस्टल दिखाया और ये पूरा काफिला ही था, वीणा देवी के काफिले को ही रोका गया है और कुछ लोग थे जिनकी मदद से उन्हें सुरक्षित वहां से रवाना किया गया है। और चलिए तस्वीर आ गई है, ये तस्वीर आप जरा देखिए, वीणा देवी इसी गाड़ी पर सवार थी, उन्हें रोका गया है, आवाज जरा सुनिए। अरे क्या कर रहा है, बात कर रहा है।